हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड अगर आप कई सालों से इंडियन सुपर लीग को फॉलो करते आ रहे हो गए तो आपने एक चीज तो डेफिनेटली आपको नोटिस की होगी कि पिछले तीन या चार सीजन से जो अटेंडेंस है, नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग आईएसएल मैच, वो डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज स्टार्टिंग में हम देखते थे, स्टार्टिंग के कुछ सालों में हम देखते थे कि भाई स्टेडियम एकदम जैम पैक होते थे, और अचानक से अभी आफ्टर कोविड आप बोल सकते कि जो स्टेडियम की जो अटेंडेंस है वो बहुत लो हो चुकी है। अभी यहाँ पर दो एक्सेप्शन है मेनली मेरे हिसाब से, जहाँ पर केरला ब्लास्टर्स एंड मोहन बगान फैंस, यहाँ पर इसको इनको मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। बिकॉज़ यहाँ पर इनके जो फैंस हैं वो कंटिन्यूअसली आते, चाहे अपनी टीम हार रही होगी या तो जीत रही होगी, तो उनके तो फैंस आते हैं, बट बाकी के क्लब्स में डेफिनेटली अटेंडेंस का इश्यू हो रहा है। एंड अभी लोग सोच रहे कि भाई क्या मसला है, क्या इश्यूज हो रहे हैं। या तो आप मतलब उसके क्लब्स को ब्लेम करोगे कि क्लब अच्छे से कर नहीं रहा है, या तो आप फैंस को ब्लेम करोगे कि फैंस अच्छे से फैंस सपोर्ट नहीं करने आ रहे स्टेडियम में। तो यहाँ पर इसलिए ये वाले वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि मुझे ये तीन से चार ऐसे रीजंस लगते हैं जिसके वजह से यहाँ पर भाई जो अटेंडेंस में डिप आया है। एंड नो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। ओके, सो पहला यहाँ पर मुझे एक पॉइंट लगता है जो कि ये मार्की प्लेयर्स। ये जैसे स्टार्टिंग के कुछ सालों में हमें लगता था कि हमें देखने मिलता था कि भाई डेल पियरो आले है, इरानो ब्लूमर, फिर बहुत सारे जो बड़े बड़े इयान यूम, डेविड जेम्स, ऐसे बड़े बड़े रॉबर्टो कार्लोस, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स आ रहे थे इंडिया में और आईएसएल के क्लब्स के लिए खेल रहे थे। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये बोलते कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन फैन जिनको पता था ये प्लेयर्स, तो वो लोग भी जस्ट ही फॉरेन प्लेयर्स या तो मार्की प्लेयर्स को देखने आते थे मैचेस। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपको पता है कि अभी जो जो लेवल ये अपना फॉरेन प्लेयर्स का वो थोड़ा डिक्रीज हो चुका है। बिकॉज ऑब्वियसली अब पहले के जो प्लेयर्स थे फॉरेन, अभी वैसे प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, अभी फॉरेनर्स हैं, लेकिन कई वो वाले लेवल के नहीं जहां पर डेल पियरो हो गए, फिर रॉबर्टो कार्लोस हो गए हैं, इलानो ब्लूमर हो चुके हैं, तो ये से सब प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं अभी। सो दैट्स व्हाई ये एक छोटा सा मेरे को एक रीजन लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से इसका ये जो रीजन है इतना इंपैक्ट नहीं डालना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसका इतना इंपैक्ट नहीं है ड्यू टू द डिप ऑफ द अटेंडेंस। अभी सेकंड चीज यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फैंस क्लब्स के बारे में। जी दोस्तों, क्लब अभी देखो कैसा है कि स्टार्टिंग में क्लब्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। अभी एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि क्लब का सी, देखो क्लब का कैसा है कि अगर क्लब एक या दो सीजन ऐसे अच्छे से फॉलो नहीं कर, अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर भी ठीक है, मतलब जो फैंस है उनके, जैसे कि एग्जांपल में चेन्नई एफसी फैंस, बिकॉज यहाँ पर चेन्नई का जो एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो परफेक्ट फिट होगा और आपको समझ में भी आएगा। तो लॉकडाउन से पहले या तो कोविड के पहले चेन्नई एफसी कितना अच्छे से परफॉर्म कर रही थी, बट उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बायो बबल में हम लोग खेलने लगे, स्टार्ट हुआ सीजन, तो तभी से क्या एक या दो सीजन, तभी स्टार्टिंग के एक या दो सीजन उन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। तो कैसा है कि चलो ठीक है, अगर आप फैन हो एक क्लब के तो आप एक दो सीजन सहन कर सकते हो, ठीक है, यू कैन मैनेज। एंड आप ये बोल सकते हो कि चलो ठीक है, एक या दो सीजन अगर गंदे भी गए तो अपन आगे फ्यूचर में होप कर सकते कि चलो ठीक है नेक्स्ट सीजन हमारा होगा। लेकिन क्या हो रहा है कि चेन्नई एफसी का एग्जांपल ले लो, कि चेन्नई एफसी का क्या हो रहा है कि आप हर साल सैक कर रहे हो मैनेजर्स, आपका विजन नहीं है, आपको क्या करना है फ्यूचर में, ठीक है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपको क्लब के लेके क्या कितना सीरियसनेस है, तो वो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्लब सीरियस नहीं है चेन्नई एफसी, जिसकी मैंने बोला। और क्लब अगर आप फैंस के बारे में बात करोगे, हम बात करते हैं लॉयल्टी फैंस, ठीक है। सी लॉयल्टी एक चीज होती है, और एक बोलते ना कि भाई सहन शक्ति एक अलग सीन होती है। आप कितने टाइम तक आप ये एडजस्ट करते रहोगे, तो आप सेंड करोगे कि मेरा क्लब हर रहा है, एक पॉइंट तो आएगा, ठीक है, एक पॉइंट तो आएगा कि चलो नहीं है भाई मेरे से नहीं हो रहा है और मुझे नहीं देखना भी मैच, ठीक है, दो जो मी आपको याद आ गया, तो मेरे को नहीं आ रहा भाई, ठीक है, बिकॉज मैंने दो या तीन साल मैंने सेंड किया कि चलो ठीक है क्लब डाउनफॉल हो रहा है, तो अभी ना अभी उठेगा। बट अगर आप सेम थिंग रिपीट करते जाओगे, क्या हो रहा है सेम थिंग कि देखो नो विजन, क्लियरिटी नहीं है आपको क्या करना है, आपको क्या प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, वो क्लियरिटी नहीं है। और अगर आप मैनेजमेंट के बारे में बात करोगे, आप उनके ओनर के बारे में बात करोगे, एंड ये मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर चेन्नई एफसी को, बट एक ओवरऑल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से चेन्नई एफसी का अगर मैं एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो वो आपको वो एग्जांपल को सुन के या तो समझ के आपको एकदम अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि मैं किस क्या क्या पॉइंट बोल रहा हूँ। सो यहाँ पर मैनेजमेंट में कुछ सीरियसनेस नहीं है, यहाँ पर जो ओनर है क्लब ओनर भी है, ज्यादा मैचेस देखने नहीं आते बिकॉज ही हैज नंबर ऑफ टीम्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, तो वो बाकी के स्पोर्ट्स देखने चले आते हैं, लेकिन अब जो फुटबॉल है तो वो कभी कभी देखने आते हैं। तो यहाँ पर भाई मैनेजमेंट, मेरे हिसाब से मैनेजमेंट की कमी है, एंड मैनेजमेंट आर नॉट सीरियस अबाउट देयर क्लब, बिकॉज उनके क्या होता है कि आप एक सीजन नया मैनेजर लाओगे और बाकी आपके अच्छे अच्छे प्लेयर्स है आप उनको रख नहीं पाते, जैसे कि आकाश सांगवान कितना अच्छा प्लेयर है, लेकिन क्या हो रहा है नेक्स्ट सीजन वो निकलने आ रहा है। तो मेन चीज तो ये आपका क्लब में सीरियसनेस नहीं है, आपके क्लब का जो प्रोजेक्ट है, आपके क्लब का जो फ्यूचर प्लान है वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, या तो आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है जिंदगी में, एंड आपके जो मेन प्लेयर्स है जो कि एक सीजन में अच्छा करते हैं तो आप उसको रख नहीं पाते हो, एंड वो बोलते ना कि भाई वो नाराज होकर वो दूसरे क्लब में चले जाते हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू कीप द प्लेयर्स इन योर क्लब। तो ये मेरे हिसाब से है। अभी एक और जो तीसरा रीजन जो कि मैं बोलना चाहूंगा, अभी लोग बोलते हैं कि यार देखो यूरोपियन फुटबॉल
यूरोपियन फुटबॉल में क्या होता है कि भाई मैचेस जो है वीकडे वीकेंड में होते हैं, ठीक है, वीकेंड्स में होते हैं, जैसे कि सैटरडे संडे मैक्स, कभी कभी कौन सा एक एक दो गेम वीक जो बीच में होते हैं, बाकी हर एक मैचेस जो यूरोपियन फुटबॉल के रहते हैं वो वीकेंड्स में होते हैं, तो उनका भी समझता है, ठीक है। हमारे मैचेस भी वीकेंड में होते हैं, जैसे कि सैटरडे डबल हेडर होता है, संडे को एक मैच होता है, बट हमारे मोस्ट ऑफ द मैचेस मंडे टू फ्राइडे के बीच में होते हैं। अभी सी यहाँ पर दो रीजन है, ये देखो अभी मैं आपको दो एग्जांपल देना चाहूंगा। एक जो बंदा जिसकी क्लब बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, एक जो बंदा है जिसकी क्लब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही फ्रॉम कंटिन्यूसली 3-4 सीजन, ठीक है। तो अभी कैसे है कि देखो, बहुत लोग हमको पता है कि बहुत लोग ऐसे वेले तो रहते नहीं है, एवरीवन हैज देयर वर्क, उनका उनका जॉब वगैरह रहता है। तो अगर आप पहले पहले बंदे की अगर मैं बात करूंगी जिसका जिसका क्लब अच्छा खेल रहा है, ठीक है, तो अगर वेनेसडे को मैच है, वेनेसडे को मैच है, तो अगर वो भी सोचेगा कि नहीं यार मेरी क्लब अच्छा कर रही है, मेरे को स्टेडियम में जाना है, और भले मैं स्टार्टिंग के 20 या 40 मिनट में मिस कर दूं, लेकिन मैं टिकट खरीदूंगा, मैं मैच देखूंगा, क्यों? क्योंकि मेरी टीम अच्छा कर रही है। हाँ, भले स्टार्टिंग में अच्छा नहीं कर रही थी, बट अभी कर रही है ना, तो मैं जाऊंगा, मेरी टीम को सपोर्ट करने जाऊंगा, और चाहे वो वेनेसडे हो, चाहे वो संडे हो, या चाहे कौन सा भी दिन हो, मैं जाऊंगा मैच सपोर्ट करने के लिए। अभी आप दूसरे जगह पे आ जाते हो, दूसरे जगह क्या है कि यहाँ पर भाई एक जो ऐसी टीम है, एक जो फैन है उसकी जो टीम है, तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। अभी वेनेसडे को उसका मैच है, ठीक है, वेनेसडे को उसका मैच है, अभी उसको पता है 3 या 4 सीजन से इनका ऐसी हो रहा है, जैसे कि चेन्नई का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो आप ऐसी हो रहे हैं कि यार टीम का आता पता कुछ है नहीं, और कुछ सीरियसनेस है नहीं, और पहले से इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करते रहे, तो बंदा क्यों स्टेडियम का टिकट करेगा? भले 50-100 रुपए का होगा, 200 रुपए का होगा टिकट, बट भले अपना वो जो बंदा है, ठीक है, 2 या 3 साल से तो वो सहन कर रहा है कि यार क्लब अच्छे से परफॉर्म नहीं कर, चलो ठीक है मैं सपोर्ट कर लेता, बट एक टाइम आता है, एक लेवल आता है कि आप एक सोचो ना भाई कि क्या कर रहे, ठीक है, आप एक बोलते हैं एक लेवल होता है कि जहां तक आप मेंटेन कर सकते हो, या तो आप सहन कर सकते हो, बट उसके अलावा आप उसके आगे आप सहन नहीं कर सकते हो। एंड वही हुआ, तो अगर मेरी टीम अच्छा नहीं कर रही तो मैं क्यों जाऊंगा वेनेसडे को भाग भाग के कि भाई मेरा ज्यादा से ज्यादा मैच मिस ना हो, 200 रुपए का टिकट देके मेरा टाइम वेस्ट करके तो मैं क्यों जाऊंगा स्टेडियम में। तो इसलिए दैट्स द रीजन। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल समरी बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो फॉरेन प्लेयर्स है वो दैट टाइप ऑफ लेवल के नहीं जो कि पहले थे। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर भाई क्लब का सीरियसनेस, क्लब का जो है कि अगर क्लब अच्छे से नहीं कर रही तो मैनेजमेंट सीरियस नहीं ले रहा, उनका विजन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, और फ्यूचर में क्या करना है वो भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये जो वीकेंड और जो वीकडे के मैचेस है जो कि भाई वीकेंड्स में होने चाहिए सबसे ज्यादा मैचेस, तो वो भी एक पॉइंट है। बट मेरे हिसाब से जो मेन पॉइंट यहाँ पर है कि जो कि एक क्लब और मैनेजमेंट, जब से क्लब और मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट है जो ओनर्स है, तो अगर वो लोग सीरियस होंगे अपने क्लब के लिए, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि यार जो अटेंडेंस है वो इंक्रीज होगा। अभी कोई कोई मतलब किसी दो ऐसे क्लब है जैसे कि केरला ब्लास्टर्स एंड मोहन बगान सुपर जायंट्स, जिनके जो अटेंडेंस है वो काफी अच्छी आ रही है, बाकी सब की आप बात कर लो 10,000 के अंदर ही। जमशेदपुरी एक ऐसा क्लब है जो कि 20-25,000 है, बाकी सब 10,000 के अंदर है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ रीजन जो मैंने वीडियो में मैंने मेंशन किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजन की वजह से अपनी जो आईएससी की अटेंडेंस है वो ड्रॉप हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार आप क्या सोचते हो, और आपके आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जिससे आईएसएल अटेंडेंस ड्रॉप हो रही है? डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। इसी के साथ वीडियो एंड करेंगे, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।